दूसरा जैसे एक वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी ने जो डिसीजन लिया था उल्टा पड़ गया शायद वो उनके लिए। पहले तो ये तय हो जाए कि भाजपा को जयंत चौधरी की जरूरत ज्यादा थी या जयंत चौधरी को भाजपा की जरूरत ज्यादा थी। हम लोग इस बात से बहुत सरप्राइज थे, चौंक गए थे कि बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि जयंत को भी दो सीट दे रहे हैं। जब आप किसी अपने पार्टनर को सीट देते हैं, मतलब तो आपके अपने खाते से जा रही है ना, आप उस पर लड़ सकते थे सीट पर। लेकिन जयंत तो दोनों सीट जो है उन्होंने निकाल ली है ना। लेकिन जाटों में गुस्सा था और वो गुस्सा रिफ्लेक्ट हुआ। मुझे लगता नहीं है कि जयंत से हाथ मिलाने का कोई फायदा बीजेपी को हुआ, जयंत को भले हो गया। थर्ड या फोर्थ चरण के चुनाव के बाद तो जयंत के खुद के लोगों को लगने लगा था कि हमने डिसीजन गलत ले लिया, क्योंकि अखिलेश हमें 5-7 ऑफर कर ही रहे थे तो हम इजीली वहां पे हमारे 4-5 एमपी बन जाते, अब गड़बड़ हो सकती है। देखिए जयंत के लिए भी फैसला उस समय आसान नहीं था। आप इमेजिन कीजिए कि जयंत मथुरा और बागपत की सीट हारने लगे थे। हाँ, मतलब फिर तो बची क्या, क्या बच गया? जब आप बागपत हार रहे हैं, मथुरा हार रहे हैं, तो आपके लिए भी एग्जिस्टेंस का सवाल है। हाँ, ये भी है ना, कहाँ से पार्टी चली थी और कहाँ आ गई। सेफ खेल रहे थे शायद वो, तो उनको लगा, हाँ वो सेफ खेल रहे थे, उनको लग रहा था कि ठीक है कि ये हमारे रिवाइवल का भी चांस है। तो वो तो बाद में लगता है ना कि जो जीत गया उसके साथ जाते तो और अच्छा रहता। ये भी है।